दिल्ली में 5 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली के वार्ड 32 एन रोनी सी की बात करें तो वहां पर बीएसपी के पार्षद रहे, 2019 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी में गए, आज वहां के विधायक है, मगर साबाट डेरी की जनता विधायक से नाराज है। वार्ड 32 एन रोनी सी में उपचुनाव हो रहे हैं, इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जनता को खुश करने के लिए गली नाली सफाई अभियान चला रखा है, मगर वहां की जनता कह रही है कि इतने सालों से कहां थे ये लोग। चुनाव हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी गली नाली साफ कर रही है, ये सब पता है कि ये किस मकसद से ये कर रही है, इसका जवाब जरूर देंगे। हमारी टीम ने वहां का जायजा लिया, साबाट डेयरी में दिल्ली के सबसे बुरे हाल है, लोगों के घरों में गंदा पानी भरा हुआ है, मीडिया ने वहां के लोगों से बात की और सच्चाई जाननी चाहिए। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली, साबाट डेयरी। अरे यार चुप रहा है, एक मिनट आईडी दे दे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ नालियों से कूड़ा निकाला जा रहा है, मगर अब देखने वाली बात यह है कि ये कूड़ा यहाँ से उठेगा भी नहीं उठेगा, या फिर खाली ये दिखाने के लिए यहाँ पे नालियों में खाली वो मार दिया गया है फावले, साफ सफाई के लिए ये कूड़ा हटेगा कि नहीं हटेगा, ये भी हम कल परसों फिर आएंगे तो फिर दिखाएंगे। क्या नाम आपका? रामाश्रय पांडे। राम सिंह पांडे जी, जैसे हम साबाट डेयरी की बात करें, जो यहाँ पे हम देख रहे, हम यहाँ पे घूम रहे, पानी को लेके, नलियों को लेके काफी समस्या यहाँ पे, कितने दिनों से है ये? 10 साल से कम यहाँ पे नाली का कोई काम नहीं हुआ जी, ना ही पानी का कोई काम हुआ। किसको दोषी मान रहे? ये हमारी सरकार जो आम आदमी पार्टी की चल रही है, इसकी दोषी मान रहे हम जी। ये विधायक से लेकर के पीछे भी रामचंद्र विधायक थे, और अभी भी जय भगवान उपकार विधायक है, और निगम पार्षद भी इनका था, जो एक ढेले का काम नहीं किया है यहाँ पे जी। कोई नाली का काम नहीं, कोई सफाई का काम नहीं। आप लोग कभी गए उनके पास? कई बार गए, कहते हैं जी हमको टोटे नहीं दिया जी। अच्छा। हाँ जी, यानी बहानेबाजी करते हैं? हाँ जी, बहाना करते हैं, 36 बहाने हैं जी। तो आप जो तो उपचुनाव यहाँ पे चल रहे जी, क्या लग रहा है आपको? देखो जी, नेताओं की बातों पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। पार्टी के हिसाब से किधर जाना चाहेंगे? देखो जी, उम्मीदवार हिसाब से तो लग रहा है कि सारे उम्मीदवार निकम्मे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता, उनको अपना वोट कोई तो आएगा ही, उनको अपना वोट से मतलब है, अपने पेट से मतलब है जी, जनता से कोई लेना देना नहीं है। माता जी, ये यहाँ पे पानी भरा रहता है, कितने दिन से भरा रहता है? भरा ही रहता है जी, यहाँ पे भरा ही रहता है, भरा ही रहता है। कभी कोई नेता आया पता लेने? कोई नहीं नेता हमारे तो आता है। और जैसे अब चुनाव में कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई करते? अब तो कुछ दिख तो रहे हैं, फिर कोई नहीं दिखता है। क्या ये सफाई कर्मचारी है या किसी पार्टी के वैसे ही लोग? पार्टी के ही लग रहे होंगे किसी के ऐसे, कोई कर्मचारी आके यहाँ दिखाड़ी देने, कोई कुछ आके दिखाड़ी देने जी। साबाट डेयरी सी ब्लॉक का ये हाल है, यहाँ पे हम जैसे कि
लोगों से जायजा भी ले रहे साथ के साथ, तो उनका कहना है कि यहाँ के निगम पार्षद या विधायक कभी कोई नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जान जी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की साफ सफाई के ऊपर। बोलो जी, आप बोलो। हाँ भाई, साफ सफाई क्या है, नालियाँ बनवा दो, सीवर डलवा दो, ये नालियाँ खत्म करो और क्या? सब सफाई हो जाएगी तब डेयरी में सफाई आएगी, नए सफाई नहीं तो आ सकती है। उम्मीद कर रहे हैं आप ये? उम्मीद किससे कर रहे हैं, उम्मीद तो भाई केजरीवाल भी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी काम कर रहे हैं बढ़िया। देखो यहीं का निगम पार्षद बना, यहीं का MLA बना, और देखो ये गलियां कैसी आज भी, और इसी गली में आके वोट मांगते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है कि थोड़ी सी शर्म कर लें। 10 सालों से यहाँ पे एक भी बार गली नहीं बनी है 10 सालों में, ये कभी किसी ने नहीं बूझा, किसी ने भी नहीं बूझा। बूझा क्या, कोई करने को राजी नहीं है यहाँ कुछ भी अच्छा काम, सिर्फ बाहर के रोड बनवा के और अपने बैनर लगवा दिए, जगह जगह बोर्ड लग गए बस बस, और घर पे आ रही है फुल मनी मनी। प्रचार और दिखावा खाली नेताओं का, नेताओं का सबसे बड़ा दिखावा है सिर्फ। कोई पहले भी तो याद करा, गरीब आदमी क्या यहाँ छड़ रहे हैं, अब पहले तो कोई नहीं याद करता, इलेक्शन आते हैं तो सब याद आ जाते हैं। अच्छा माता जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा, आप लोग नाराज हो साफ सफाई को लेके, मगर अब यहाँ पे 28 तारीख को वोटिंग डलेगी, वोट डालने जाएंगे आप लोग? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। फिर किसको लाएंगे, ऐसे ही बंदे को लाएंगे जिसने ये हालात यहाँ कर रखे? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कैसे कैंडिडेट चाहते हैं आप, काम करने वाला या बगैर काम करने वाला? ऐसा बंदा आओ क्या, कोई यहाँ पर सीवर गिरुआ हुआ है कोई ये सुविधा करवाओ, हम नहीं चाहते कोई सा बंदा हो जो ईब है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट उठा हुआ है जिस पे आपको विश्वास हो? फिलहाल तो कोई नहीं है। नहीं है नहीं। तो फिर वोट किसको डालोगे? वोट तो चाहिए किसी को भी दे, मैं हम भी नहीं बताना चाह रहे जिसको देना है। बिल्कुल सही बात, ठीक ओके। चुनाव को लेकर यहाँ पे साफ सफाई हो रही, नालियों की भी होगी, मगर जो सफाई कर्मचारी है ये कोई टी शर्ट भी पहने, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। भैया आप MCD से हो, किससे हो? नहीं उससे बात करें, आप बताइए आपने ये आम आदमी की टी शर्ट पहन रखी है, सफाई कर्मचारी? ठेकेदार की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से। ठीक है, कौन ठेकेदार? ये बैठा जी भैया, पार्टी की तरफ से सर। पार्टी कौन सी? आम आदमी। आम आदमी, इससे पहले क्यों याद नहीं आई थी? हाँ जी, इससे पहले याद क्यों नहीं है साफ सफाई की, जो यहाँ पे आज हम देख रहे जो यहाँ पे आम आदमी, वो सर पार्टी वाले बताएंगे, मान लो या कुछ भी कह लो, जो साफ सफाई यहाँ पे आज की जाए, आखिर इससे पहले क्यों नहीं? सर वो तो वो बताएंगे ना आपको, आप ठेकेदार हो, आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं। हाँ जी, तो आपको अभी बोला गया? हाँ जी, इससे पहले कभी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे, या तो उन्होंने कुछ कांटेक्ट दिया होगा ठेकेदारों को, उसके द्वारा यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का साफ सफाई का काम हो रहा है। तो ये कोई MCD के सफाई कर्मचारी नहीं है, आप सामने देख सकते हैं टी शर्ट भी कौन सी पार्टी की पहनी गई है। सावाड डेरी के सी ब्लॉक में हम आए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आम आदमी की टी शर्ट के द्वारा आज सफाई अभियान का यहाँ पे कार्य चल रहा, मगर हमने लोगों से भी जानकारी लेनी चाहिए कि ये MCD के कार्यकर्ता है कि नहीं। जैसे पता चला कि ये कोई MCD के कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी के द्वारा भेजे गए हैं, मगर चुनाव में ही क्यों याद आया? आखिर बात है कि चुनाव में ही क्यों याद आया? जैसे कि अब 5 से 10 दिन रह गए वोटिंग के यहाँ पे सावाड डेरी में, उसी को लेके यहाँ पे आम आदमी की टोपी टी शर्ट पहन के लोगों का दिखावा, एक दिखावा हम साफ साफ बोल सकते हैं, आप सामने देख भी सकते हैं, ये खाली एक दिखावा है। उससे पहले अगर यहाँ पे साफ सफाई होती तो शायद ये हालात यहाँ के नहीं होते इस ब्लॉक के। तो आगे भी हम चलेंगे वहाँ पे भी देखेंगे कि कहाँ कितना काम हुआ है, आप हमारे सामने देख ही सकते हैं ये सब कुछ। यहाँ पे जो ठेकेदार था उससे भी हमने जानकारी चाही, उसने भी बोला कि 2 दिन पहले ही मेरे को बोला गया, मगर वो ठेकेदार भी कोई प्राइवेट है, MCD का कोई ठेकेदार नहीं है। सावाड डेयरी की बात करें, हम आपको दिखाते किस तरह यहाँ लोगों के घर के आगे नदी बनी हुई है। यहाँ पे आज तक कोई निगम पार्षद या विधायक कभी यहाँ इन लोगों की सुध-बुध लेने नहीं आए, जैसे कि हमने यहाँ लोगों से भी बात की। यहाँ पे सिर्फ आज वोटिंग के टाइम पे यहाँ पे कुछ लोग सफाई करने आए हुए हैं ये दिखाने के लिए कि हम आप लोगों का काम करें, मगर आप देख सकते हैं ये गली रोड, ये नालियाँ,
ये हालत है यहाँ की। सावाट डेयरी की बात करें, ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक हो, यही हाल यहाँ पे पूरे सावाट डेयरी का है। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे लोग स्वस्थ रहेंगे या क्या रहेंगे, ये हालात यहाँ के हैं। आप देख सकते हैं ये बुरा हाल है। मगर चुनाव को लेके कुछ जगह यहाँ पे दिखाने के लिए साफ सफाई का बहाना किया जा रहा है कि हम काम करवा रहे, जैसे कि उपचुनाव यहाँ पे निगम पार्षद के उनको लेके, तो ये हालत है। तो हम यहाँ लोगों से भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना। भैया यहीं रहते हो? हाँ जी। हाँ, ये जो मैं देख रहा जो नदी बनी हुई है, हाँ जी, कब से बनी हुई है? कम से कम 5-7 साल से ऐसा ही है सर। ये ऐसे कोई विधायक पार्षद कोई विधायक नहीं, सर विधायक सारे आते हैं वोट के टाइम पे, आते फिर नहीं आते कभी, लौट कर कभी नहीं आते, कभी नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? अभी ये चाइना हमारे लोग को चाहिए, सीवर पीवर पड़ना चाहिए, गंदगी दूर होना चाहिए। अब हम कुछ देख रहे हैं कुछ है, कुछ लोग सफाई करने लगे हुए, ये कोई सफाई कर्मचारी है या फिर किसी पार्टी के वैसे ही वोट के लिए यहाँ पे सफाई, वोट के लिए हो रही सफाई खाली वोट के? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर यहाँ के लोगों को कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा कर्मचारी तो आते ही नहीं, कई साल तक कोई आते नहीं, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक ये कूड़ा हमने निकाला है नाली से, वो नहीं निकालते और वो नहीं उठाते हैं, महिनवारी बांध देते हैं अपना, महीने पर घर पे तनख्वाह उनकी मिली रही है। यानी कि जो यहाँ पे कूड़ा है ये आप लोग खुद ही अपना हाथ पैर मार के खुद ही करते हैं, मगर यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया जी। हमारा विधायक तो सर आता ही नहीं कभी देखने, ना ही वो ही आते हैं, कभी कम्प्लेंट नहीं कम डालते हैं। वही पहले था, निगम पार्षद था। हाँ, वो निगम पार्षद थे, विधायक के वोट लड़े, वो विधायक में जीत गए, लेकिन वो आए नहीं देखने हमारे को कभी नहीं, और जाते हैं तो वो कोई रिस्पांस नहीं लेते। तो अभी क्या यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे? हाँ वोट तो हम करेंगे, किसको चाहूंगे सर? ये तो पार्टी के लिए, ये पार्टी तो कोई नहीं, का नाम मैं जानना नहीं चाहूंगा पार्टी के हिसाब से। मैं ये कहता हूँ कि सर जो हमारे ये साफ सफाई कराते हैं हम वोट उसको ही दे देंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।